हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। इस वीकेंड पर हम लोग गए थे कैंची धाम, नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए। एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप प्लान किया था जिसमें कि हम लोग नैनीताल भी घूमे थे। और हमने ये जो अपना ट्रिप है ये प्लान किया था फ्लिक्स बस के थ्रू। टिकट्स हमने इनकी ऐप के थ्रू ऑनलाइन ही बुक करवा ली थी और कैब से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने ही इनका लॉन्च पड़ता है। अब ये वहीं से हम कैब से उतर के लॉन्च की तरफ ही जा रहे हैं। आपको लॉन्च भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि लॉन्च भी किस तरह से है। बिल्कुल टाटा मोटर्स के बिल्कुल सामने ही पड़ता है। आप गेट नंबर 1 से उतरेंगे ना, बस वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है। और ये अब हम लॉन्च पहुँच चुके थे। अंदर पहुँच के हमने अपने टिकट्स वगैरह कन्फर्म की, तो उसके बाद इन्होंने अपना ही एक हेल्पर हमें भेज दिया था जिन्होंने हमें बस तक पहुंचा दिया। बस हमारी कहाँ खड़ी है, हमारी सीट्स वगैरह सब कुछ हमें इनके हेल्पर ने ही दिखा दी थी। एक फैमिली और भी जा रही है हमारे साथ। यहाँ से मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर की फैमिली थी और एक फैमिली और भी थी जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन करना है। और ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। इसके अपोजिट ही सभी प्राइवेट बसेस खड़ी होती हैं और यहाँ आपको सभी बसेस, जितनी भी प्राइवेट बसेस हैं, सबके एग्जीक्यूटिव्स भी खड़े हुए मिल जाएंगे ताकि पैसेंजर्स को प्रॉब्लम ना हो बस तक पहुँचने के लिए। बस अब ये दूसरी मैं जो फैमिली बोल रही थी कि हमसे मिलने वाली है, ये भी हमें मिल गई। यहीं पर ही हमारा वेट कर रहे थे ये भी। और अब ये जो आप सामने देख रहे हैं यही बस है जो कि हमें दिल्ली से काठगोदाम तक लेके जाएगी। टाइम जो था डिपार्चर टाइम बस का रात को 11:15 का था। यहाँ बस के पास पहुंचने के बाद एक बार टिकट्स रीचेक हुई और हमारा लगेज जो था वो पीछे बस में रख दिया गया। उसके बाद अब हम ये अपनी बस में चढ़ गए, अपनी सीट नंबर देखते हुए अपनी सीट्स की तरफ चल दिए। बस पूरी नीट एंड क्लीन थी, सेमी स्लीपर फुली एसी बस है, चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरजेंसी बेल भी है। सो एज सच हमें 6-7 घंटे का सफ़र करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ही कंफर्टेबली हमने ये सफ़र किया। और जो डिपार्चर टाइम था वो था नाइट में 11:15 का और मॉर्निंग के 6:15 बस ने हमें काठगोदाम उतार दिया था। एसी बिल्कुल परफेक्ट कूलिंग कर रहे थे। ये 2 स्विच्स एसी के हैं और बीच में एक इमरजेंसी बेल दी गई है जिसे कि आप प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इमरजेंसी है तो आगे जो भी हेल्पर है वो उसी टाइम आ जाता है आपकी हेल्प करने के लिए। साथ ही हर सीट पे इस तरह के फैन भी दिए गए हैं। और ये है एक बड़ी सी विंडो जिसमें से कि आप बाहर के नज़ारों का भी मज़ा ले सकते हैं। और ठीक 11:15 हमारी बस मूव कर गई काठगोदाम की तरफ। गाइस हम बैठ चुके हैं अपनी बस में। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। बस फटाफट पहुंच जाए वहां पे। और लीजिए हमारी बस मूव कर गई। बस मूव होते ही आपको इस तरह की वाटर बॉटल्स भी मिलेंगी बस में। ब्लैंकेट्स नहीं मिलते हैं, बट हाँ प्यास लगे तो आपको इधर उधर कहीं बस रुकवाने की जरूरत नहीं है, ना ही घर से पानी ले जाने की जरूरत है, क्योंकि बस में ही आपको पर पैसेंजर एक बॉटल दी जाती है पानी की। अपनी बस में हमने अभी खाए गोभी के पराठे। क्योंकि हमारा प्लान बहुत जल्दी जल्दी बना था इसीलिए हमने कुछ खाया नहीं घर पर और हम लेकर आए थे। तो अब हमने अपने गोभी के पराठे अपने पेट में जगह ली। वैसे भी सफर में बैठ के खाने का मजा लग रहा। सब बहन भाइयों ने साथ साथ की सीट ले ली थी और बस बस में बैठते ही मस्ती और बहन भाइयों की लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो हम लोग यही समझा रहे थे बस करो, बहुत शोर हो रहा है बस में, पर बच्चे हैं कि कहाँ मानने वाले हैं। पूरा जर्नी उन्होंने भी अपनी एंजॉय करनी है जैसे कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारी
बस 2x2 सेमी स्लीपर थी, सो हमने आगे पीछे की ही सीट्स ले रखी थी। तो बस मस्ती मजे करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे की लेग पुलिंग की, खाते पीते अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। और फिर 1:30 बजे के आसपास बस ने अपना पहला ब्रेक लिया ग्रैंड झिलमिल ढाबा पर, जहाँ कुछ खाना पीना हो किसी ने तो वो खा सकता है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, चाय पीनी है, एनीथिंग जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, और थोड़ा सा घूम फिर के अपनी टांगों को भी आराम दे सकते हैं। तो हम भी बस उतरे, खाना तो वैसे तो हम डिनर तो घर से करके निकले थे, बट हाँ फिर भी है कुछ बच्चे हैं तो चटर पटर तो कुछ लेंगे ही, और हम लोग भी चाय लेंगे। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो सामने हमें एक स्कूटर दिखा, ये देखिए पहले तो ये हमारे घर का होनहार बच्चा आ रहा है सामने, और हाँ एंटर करते ही अब हमें एक स्कूटर दिखा। तो बस हम लोग मज़े तो करेंगे, रील्स बनानी तो बनती है, तो कुछ रील्स बनाई, कुछ पिक्चर्स क्लिक करी जो कि मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देखना कितनी मस्ती की हम लोगों ने एक साथ मिलके। पहले आपको ये थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये इस तरह से ये ढाबा था, बहुत से लोग थे, नाइट का टाइम था पर फिर भी काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे क्योंकि इस तरह की प्राइवेट बसेस यहाँ पे आके रुकती हैं। बहुत नीट एंड क्लीन था, तो हर कोई यही चाहता है कि बस हम जहाँ पे रुके हम अच्छी साफ सफाई से चीज़ें मिले। तो बस सबसे पहले मैं ही पहुँच गई स्कूटर के पास मज़े करने के लिए, ये बैठे और रील्स बनाई, पिक्चर्स भी बहुत सारे क्लिक की। मैं पहुंची तो पीछे पीछे मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड भी पहुंच गई कि हाँ हम लोग भी बैठते हैं, हम भी पिक्चर्स करवाएंगे। वीडियो ज़रूर देखना, जो शॉर्ट्स वगैरह अपलोड किए हैं वो ज़रूर देखना चैनल पर। होनहार बच्चे जो कि ये देखिए अपने मासी की कितनी हेल्प करते हैं ये हमारे घर के होनहार बच्चे हैं जो हमारी वीडियो भी शूट करते हैं, हमारी पिक्चर्स लेते हैं, साथ साथ हमारा बैग भी उठाते हैं। चाय पी ली, ग्रैंड झिलमिल ढाबा, चाय हो गई आपकी, फ्रेश हो गए? आंटी जी चाय कैसी लगी? बस मैंने तो पी दी, इसने चाय नहीं पी। आपको चाय कैसी लगी? आपको चाय कैसी लगी? हम सब पिए आपने? यस गाइस, हमने बहुत सारी रील्स बनाई है, शॉर्ट्स बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, अभी हम डालेंगे। आप हमारी वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद अब वापस टाइम था बस में बैठने का और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का। दो सवा दो के आसपास हमने यहाँ से अपनी जर्नी फिर से दोबारा से स्टार्ट की, और उसके बाद तो बच्चों को थोड़ी नींद आने लग गई थी, खा पी लिया था, फ्रेश भी हो गए थे। तो बस उसके बाद मैं तो खैर जाग रही थी क्योंकि पता नहीं क्या बात है, मुझे तो जर्नी जब भी हो, नाइट की जर्नी में तो वैसे भी डे की हो तब भी हो, नाइट की जर्नी में भी बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, एक्साइटमेंट होती है कहीं घूमने की। तो आप बताइए और कौन कौन है जिसको नींद नहीं आती। सो बच्चे सो गए थे, बस अब ये जो टाइम हो रहा था ये मॉर्निंग का टाइम था जब धीरे धीरे दिन निकलना शुरू हो रहा था।
बहुत सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, सामने दिख रहा होगा वीडियो में, इतना खूबसूरत लग रहा था। इस तरह का सनराइज़ मैंने शायद, पता नहीं, पहले शायद ही कभी देखा हो, इतना ब्यूटीफुल और पूरा ब्लू स्काई हो रहा था। माउंटेन्स में तो सनराइज़ की बात ही कुछ और है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप देखिए किस तरह से जैसे सन की एक एक किरण निकल रही थी ना, वैसे वैसे इसकी ब्यूटी बढ़ रही थी। अब ये 5:15 बजे के आसपास का टाइम था, दिन पूरा निकल चुका था और हमारी भी जर्नी कंप्लीट होने ही वाली थी। बच्चे सो रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत हैट्रिक रहने वाला था, पूरा दिन घूमना था, तो हमने सोचा बच्चे सो जाएं तभी अच्छा है। हम लोग तो मैनेज कर लेते हैं बट बच्चों से मैनेज नहीं होता, उनको रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। बस मैं अपनी जर्नी को इंजॉय करते हुए नज़ारों का मज़ा ले रही थी। तो बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले थे, ये जस्ट काठगोदाम का ही रास्ता है जो कि आप देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सुबह के 6:15 हो रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं काठगोदाम। यहाँ से हमें जाना है कैची धाम, यहाँ से हमें नेक्स्ट कैब हमने बुक की है। पहले हम होटल लेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम कैची धाम के लिए निकलेंगे। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे पूर्ण विराम देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको दर्शन करवाऊँगी कैची धाम बाबा नीम करोली जी के। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।